राजस्थान इस समय पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंग चुका है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी लाडनू विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे नगर विधानसभा सीट के बारे में। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगभग 2,48,395 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रत्याशी की हार जीत का फैसला तय करेंगे। कांग्रेस ने इस बार वाजिब अली को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में इस सीट से विधायक है। उन्होंने 2018 में BSP के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार MLA बने। इसके बाद वो अपने विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। वही अगर BJP की बात करें तो BJP की ओर से जवाहर सिंह बेड़म मैदान में उतरे हैं। बता दें, जवाहर सिंह 25 साल से राजनीति में सक्रिय है। 2013 में वसुंधरा राजे ने उन्हें अपनी सरकार में डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो आपको बता दें, ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है। इसके अलावा यहाँ गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, सैनी, SC/ST और अन्य जातियों के मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बनाने में या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी पिछले विधानसभा चुनाव की, तो इस सीट पर करीब 2,23,947 मतदाता थे। उस समय सीट से बहुजन समाज पार्टी के वाजिब अली ने 62,644 वोट से जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नेम सिंह के खाते में 37,177 वोट आए थे। तो वही BJP की अनीता सिंह 34,946 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रह गई थी, जबकि कांग्रेस के मुरारी लाल को 31,678 वोट मिले थे और इस दौरान वो चौथे स्थान पर रह गए थे। नगर विधानसभा सीट में अब तक हुए चुनाव में यहाँ से BJP ने 3 बार जीत हासिल की है, तो वही कांग्रेस यहाँ अपना खाता सिर्फ 1 बार ही खोल पाई है। कांग्रेस और BJP के अलावा अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार और जनता दल पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की है। लेकिन इस बार नगर विधानसभा में किसके सर होगा ताज और किसके सर बंधेगा जीत का सहरा, ये देखने वाली बात होगी। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।